बहू हमारी रजनीकांत से फेमस हुई रिद्धिमा पंडित काफी ज्यादा चर्चाओं में है। उनकी और क्रिकेटर शुभमन गिल के शादी की खबरें आ रही हैं, जिस पर एक्ट्रेस ने चुप्पी तोड़ी है। बताया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जब वो शादी करेंगी तो खुद ही बता देंगी और ये सारी खबरें फर्जी हैं, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। इस खबर के बाद लोग उनके बारे में लगातार जानने की कोशिश कर रही हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर रिद्धिमा है कौन, जिनका नाम शुभमन गिल के साथ लगातार जोड़ा जा रहा है। तो आपको बता दें, रिद्धिमा पंडित का जन्म 25 जून 1990 को मुंबई में हुआ था। इनकी माँ जयश्री गुजराती थी और पिता पंडित महाराष्ट्रियन। माँ का कोविड-19 के दौरान निधन हो गया था। वो लंबे समय से किडनी की दिक्कत से जूझ रही थी। रिद्धिमा पंडित की एक बहन भी है जिनका नाम रीमा पंडित है और वो बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस रवीना टंडन की मैनेजर है। इसके अलावा रिद्धिमा पंडित ने 2016 में आए शो बहू हमारी रजनीकांत से डेब्यू किया था, लेकिन इसके पहले उन्होंने कई बड़े ब्रांड्स के साथ बतौर मॉडल भी काम किया हुआ था और डेब्यू शो के लिए इनको गोल्ड अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। रिद्धिमा पंडित ने रियलिटी शो में भी काम किया है। इन्होंने खतरों के खिलाड़ी सीजन 9 में हिस्सा लिया था और सेकंड रनर अप भी रही थी। वहीं बिग बॉस OTT सीजन 1 भी किया, लेकिन जल्द ही शो से वो आउट हो गई थी। रिद्धिमा पंडित ने डांस चैंपियन को भी होस्ट किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्होंने ऋतिक रोशन के चचेरे भाई एहसान रोशन को डेट किया था, लेकिन 10 साल में इनका ब्रेकअप हो गया था। इनके अलावा कुशाल टंडन से भी इनका नाम जुड़ चुका है, हालांकि कभी एक्ट्रेस ने इन रिश्तों को कंफर्म नहीं किया। रिद्धिमा पंडित ने ई टाइम्स को बताया था कि उन्होंने अपने एग्स फ्रीज करवा लिए हैं। सितंबर 2023 में इन्होंने ऐसा किया था और कहा था कि वो आजाद महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा था कि उनके पास अभी कोई पार्टनर नहीं है, इसलिए बाद में पछताना नहीं चाहती और बच्चा पैदा करने के लिए शादी का दबाव महसूस नहीं करना पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिद्धिमा पंडित एक एपिसोड के लिए 35,000 से 40,000 रुपए चार्ज करती हैं। हालांकि इन आंकड़ों की पुष्टि हम नहीं करते और इनकी नेटवर्थ के बारे में कुछ खास जानकारी मौजूद नहीं है। फिलहाल सोशल मीडिया पर शुभमन गिल और रिद्धिमा की काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। वेल, इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप भी हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें NBT एंटरटेनमेंट।